हेलो एवरीवन, हमने नेम रिएक्शन स्टार्ट किया था और चलिए इसमें रिएक्शन नंबर 6 है, रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। जी, रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन देखते हैं। बेसिकली यहाँ पे एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है और सी डबल ओ आर ग्रुप, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये एस्टर है। एस्टर के अल्फा पोजिशन पे हैलोजन अटैच है, सी एच टू पे एक्स है, मीन्स मैं इसको बोल सकता हूँ अल्फा हैलो एस्टर। क्लियर है? चलिए, इसमें रिएजेंट कौन कौन से हैं। पहला रिएजेंट है जिंक, दूसरा रिएजेंट यहाँ पे एसिडिफिकेशन करेंगे, थर्ड इज हाइड्रोलिसिस एंड फोर्थ इज हीट। प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा ये हमें सोचना है। क्लियर है? चलो यार, स्टार्ट कैसे करेंगे रिएक्शन। पहला रिएजेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे जिंक है। मेटल देखते ही आपके माइंड में एक चीज, एक थॉट आना चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। क्लियर है? चलिए मैं क्या लिखूंगा, जिंक, जिंक 2+ में जाएगा और ये बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। क्लियर है? अब यार यहाँ पे अल्फा हैलो एस्टर है, तो अल्फा हैलो एस्टर मीन्स सी एच टू एक्स सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ आर। क्लियर है? यहाँ पे क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये आर एक्स को 2 इलेक्ट्रॉन अगर आप दे देंगे, ये रिएक्शन शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आर एक्स पे 2 इलेक्ट्रॉन दे दूं, जैसे आर एक्स को आप ब्रेक करेंगे तो आर प्लस प्लस एक्स माइनस, राइट, और आर प्लस को आप 2 इलेक्ट्रॉन दे दें, आर प्लस को 1 इलेक्ट्रॉन आर डॉट, 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आर माइनस में कन्वर्ट होगा। तो यहां पे अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दूं मैं, ठीक, तो सी एच टू एक्स, ये सी एच टू माइनस में जाएगा, मीन्स ये बन जाएगा सी एच टू माइनस सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर। क्लियर है? अब इसके बाद क्या होगा, सी एच टू माइनस सी डबल ओ आर बन गया, मीन्स ये न्यूक्लियोफाइल बन गया। इसके आगे का रिएक्शन आपको पता है कैसे करना है, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा। क्लियर है? चलिए, यहां पे बेंजीन पे सी सिंगल बॉन्ड एच डबल बॉन्ड ओ प्लस सी एच टू माइनस सी डबल ओ आर, ये है। तो ये बॉन्ड इस पर अटैक करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, फिनाइल सिंगल बॉन्ड सी एच ओ माइनस सी एच टू सी डबल ओ आर। क्लियर है? अब इसके बाद एसिडिफिकेशन कर दीजिए, एसिडिफिकेशन मीन्स जस्ट एच प्लस, तो ये ओ माइनस ओ एच में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा फिनाइल पे सिंगल बॉन्ड सी एच ओ एच सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ आर। अब इसके आगे की स्टोरी, थर्ड रिएजेंट यहाँ पे हाइड्रोलिसिस है, तो सी डबल ओ आर का हाइड्रोलिसिस, आप इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे तो सी डबल ओ आर का हाइड्रोलिसिस सी डबल ओ एच होता है, तो ये बन जाएगा बेंजीन सी एच ओ एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू सी डबल ओ एच। अब इसको हीट करना है, अगर हीट करोगे तो यहां से हाइड्रोजन ओ एच बाहर जाएगा और ये बन जाएगा बेंजीन सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी डबल ओ एच। ये हो गया फाइनल प्रोडक्ट। देखो यार, मैकेनिज्म फिर से अगर आप सोचोगे तो ऑलमोस्ट अल्डोल टाइप ही मैकेनिज्म है। पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल बनाया, न्यूक्लियोफाइल को अटैक किया इस दूसरे मॉलिक्यूल पे। क्लियर है? तो इस रिएक्शन को बोलते हैं रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। चलिए अपन नेक्स्ट रिएक्शन सोचते हैं। चलिए आपको ये ट्राई करना है, मैं यहां पे लिख देता हूं। चलिए, बेंजीन सी एच ओ पे सी एच थ्री सी एच बी आर सी डबल ओ आर, ट्राई करिए जरा, प्रोडक्ट क्या बनेगा।
चलिए यहाँ पे क्या होगा, अगर फर्स्ट एग्जांपल देखा जाए तो जिंक से यहाँ पे माइनस आएगा और ये माइनस इस पे अटैक करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, बेंजीन पे सी एच, एसिडिफिकेशन के बाद ओ एच, CH3 COR, क्लियर है। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो COOH में जाएगा और हीट करने पे HOH बाहर जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ से हो जाएगा, यहीं पे लिखता हूँ मैं, तो बेंजीन पे CH डबल बॉन्ड CH, सी सिंगल बॉन्ड CH3 COOH, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट आना चाहिए था। हाइड्रोलिसिस एंड हीट के बाद ये प्रोडक्ट मिलना चाहिए था आपको। यहाँ पे देखा जाए फिर से जिंक क्या करेगा, यहाँ पे Cl है तो इसको Cl माइनस फॉर्म में बाहर जाएगा, यहाँ पे माइनस आने वाला है, फिर ये माइनस इस पे अटैक करेगा मॉलिक्यूल के अंदर, ये मीन्स यहाँ पे इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा। कितना मेंबर ड्रिंक, 1 2 3 4 5 6 मेंबर ड्रिंक, तो ये हो जाएगा 6 मेंबर ड्रिंक, 1 2 3 4 5 6, 1 पे COOR है और 6 पे सी पे ओ माइनस है, मीन्स ये ओ एच में कन्वर्ट हो जाएगा एसिडिफिकेशन के बाद, मीन्स ये ए हो गया। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो COOR COOH में जाएगा, तो बी विल बी COOH ओ एच। हीट करेंगे आप तो अल्फा हाइड्रोजन बीटा ओ एच ये बाहर जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा COOH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये हो गया फाइनल प्रोडक्ट। इस केस में देखिए माइनस यहां पे बनेगा और ये बॉन्ड इस पे अटैक करेगा, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बनेगा पहले, तो ये 6 मेंबर रिंग बना देते हैं, वन पे COOR रहेगा, 6 पे ओ माइनस ओ एच में जाएगा सिंगल बॉन्ड मिथाइल, ये हाइड्रोलिसिस करेंगे तो COOR COOH में जाएगा, मिथाइल ओएच हीट कर दीजिए आप। हीट करेंगे तो फिर क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन एंड बीटा ओएच बाहर जाएंगे और ये बन जाएगा COOH, देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन नोवेंजल रिएक्शन या फिर नोवेंजल कंडेंसेशन बोल सकते हैं आप, दोनों ही चलेगा। यहां पे रिएक्शन क्या है, बेंजीन पे CHO और यहां पे आपको एक्टिव मिथाइलिन लेना पड़ेगा, मीन्स CH2 यहां पे कोई ग्रुप है, यहां पे कोई ग्रुप है, ऑफकोर्स एक्टिव मिथाइलिन होने के लिए कंडीशन आपको पता है, ये दोनों माइनस सेम ग्रुप होने चाहिए, और इस पे आप NR3 या फिर पाइरिडीन ले सकते हैं। सेकेंड थिंग एसिडिफिकेशन, ये रिएक्शन है, मीन्स बेंजल्डिहाइड पे CH2 दो ग्रुप, दोनों बेसिकली माइनस सेम होने चाहिए तभी ये एक्टिव मिथाइलिन होगा। अब देखो यार माइनस सेम ग्रुप मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे मैं मतलब मान लीजिए कि जी में भी जी ऐसे जी इज माइनस एम ग्रुप या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जिससे यहाँ पे हाइड्रोजन एसिडिक बन जाए, मतलब कौन कौन से, जैसे मान लीजिए CN हो सकता है, NO2 हो सकता है, CHO हो सकता है, राइट, COOR हो सकता है, NR3+ भी हो सकता है, NR3+ भी स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप है, इतना माइनस आई स्ट्रॉन्ग होता है कि ये हाइड्रोजन एसिडिक हो सकता है, एंड सो ऑन। तो जी बेसिकली कोई भी माइनस एम ग्रुप होगा, अब आपको समझ में आ रहा होगा माइनस एम ग्रुप है मतलब ये हाइड्रोजन एसिडिक है, और एक चीज ध्यान से सुने, NR3 ये बेसिकली लेविस बेस होता है, पिक्चर क्लियर हो गया, ये पाइरिडीन भी बेसिकली बेस होता है। अब यार बेस है और यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है, रिएक्शन कर सकते हो, क्या होगा, ये बेस और ये एसिडिक हाइड्रोजन, तो ये एच प्लस डोनेट करके यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या बनेगा, आप इजीली बता सकते हो कि न्यूक्लियोफाइल विल बी
CH माइनस ग्रुप, और यहां भी रहेगा ग्रुप। आगे की स्टोरी है वो बहुत ही सिंपल है, ये माइनस फिर क्या करेगा, सेम पैटर्न यार, यहां पे अटैक करेगा, क्या बन जाएगा यहां से, तो ये बन जाएगा बेंजीन पे CHO माइनस CH ग्रुप एंड ग्रुप, क्लियर है। और कुछ नहीं है, बस एसिडिफिकेशन है। तो एसिडिफिकेशन में आपको पता है O माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में, CH ग्रुप एंड ग्रुप। बहुत ही सिंपल है, चलिए एक इस पे एग्जांपल करते हैं। तो यहां पे क्या होगा, ये जो बेस है NR3, ये क्या करेगा, इस CH2 को, सिंस ये एक्टिव मिथाइलिन दिख रहा है तो यहां से H+ रिमूव करके यहां पे क्या बनाएगा, CH- ये बनाएगा, और ये बेसिकली इस पे अटैक करेगा। तो यहां पे क्या होगा कि बेंजीन, ये बेसिकली होगा CHO- CH(COOR)COOR, ये बनेगा। लेकिन ओ माइनस एसिडिफिकेशन के बाद ये क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हाइड्रोलिसिस है। आपको पता है हाइड्रोलिसिस से होता क्या है, सी डबल ओ आर किस में जाएगा, सी डबल ओ एच में, ये भी सी डबल ओ एच में, तो ये बन जाएगा बेंजीन सी एच ओ एच सी एच सी डबल ओ एच, ये भी सी डबल ओ एच। आई होप इतना क्लियर है। नेक्स्ट यहां पे देखा जाए तो ये NR3 यहां से H+ रिमूव करके CH- बनाएगा, ये CH- इस पे अटैक करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, बेंजीन CHO- CHNO2 NO2, क्लियर है। और फिर ये O- फिर से एसिड, यहां पे एसिडिफिकेशन है तो एसिडिफिकेशन से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में, बेंजीन CH ओ एच सिंगल बॉन्ड CHNO2 सिंगल बॉन्ड NO2। यहां पे देखा जाए NR3 फिर से यहां पे एक्टिव मिथाइलिन दिख रहा है तो ये NR3 इस पे अटैक करेगा और यहां से बेसिकली माइनस बन जाएगा, ये पॉइंट चमका। यहां पे क्या होगा, एक्टिव मिथाइलिन है तो एक्टिव मिथाइलिन से यहां से H+ बाहर जाएगा, यहां पे माइनस आएगा, फिर ये माइनस इस पे अटैक करेगा, कितना मेंबर रिंग, 1 2 3 4
फाइव मेंबर रिंग बनाएगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। आप यहां से फाइव मेंबर रिंग बना लीजिए, 1 2 3 4 फाइव मेंबर रिंग। वन पे दो सी डबल ओ आर लगाया, यहाँ भी सी डबल ओ आर। फाइव पे एक मिथाइल है और एक ओ माइनस है। फाइव पे मिथाइल, ओ माइनस बेसिकली एसिडिफिकेशन के बाद किस में जाएगा, ओ एच में, ओ एच में। नेक्स्ट यहाँ पे हाइड्रोलिसिस था, तो हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, सी डबल ओ आर किस में जाएगा, सी डबल ओ एच में। तो ये सी डबल ओ एच, ये भी सी डबल ओ एच मिथाइल, और ये ओ एच में कन्वर्ट होगा। सेवेंथ के बाद एट रिएक्शन है, माइकल एडिशन। यहाँ पे देखें क्या हो रहा है, ये बेसिकली एक्टिव मिथाइलिन दिख रहा है यहाँ पे। सी एच टू दो सी डबल बॉन्ड ओ के बीच में सैंडविच है, इसलिए इसको बोलेंगे एक्टिव मिथाइलिन। दिस इज एक्टिव मिथाइलिन, राइट। और ये जो मॉलिक्यूल है ये बेसिकली अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड के अल्फा एंड बीटा पे अनसैचुरेशन है, इसीलिए इसे बोलेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो अगर एक्टिव मिथाइलिन है और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है और बेसिक मीडियम है OH माइनस, अब सोचते हैं रिएक्शन क्या होगा। सबसे पहली बात आप भी शायद गेस कर सकते हैं कि OH माइनस कहां पे अटैक करेगा। OH माइनस मींस कोई बेस है, तो ये वहां पे अटैक करेगा जहां पे मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन होगा। तो सिंस ये एक्टिव मिथाइलिन दिख रहा है, ये मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है, इसीलिए ओ एच माइनस इस पे अटैक करेगा। क्लियर है, क्या बन जाएगा ये, तो ये बन जाएगा सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच पे माइनस सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, ऐसे लिख देता हूं। अब क्या हुआ, ये मॉलिक्यूल है और यहां पे ये सबस्ट्रेट है, दिस प्लस अब देखिए मेरे पास दो ऑप्शन है कहां पे अटैक करे। एक ऑप्शन है कि ये इस पे अटैक करे और ये इधर जाए, सेकेंड ऑप्शन है कि ये इस पे अटैक करे, ये बॉन्ड इधर जाए और ये बॉन्ड यहां पे आए। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अगर ये बॉन्ड इधर जाएगा तो यहां पे डेल्टा माइनस, यहां पे डेल्टा प्लस, रेजोनेंस के बाद यहां भी डेल्टा प्लस आ सकता है। तो अगर इस पे और इस पे अटैक होगा तो इसको बोलेंगे 1 2 अटैक, इस पे और इस पे अटैक होगा तो इसे बोलते हैं 1 4 एडिशन। आपको पता है ये बहुत ही लार्ज न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है, चार्ज डिस्पोज्ड है, इसे सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है, इसीलिए यहाँ पे 1 4 एडिशन होगा। 1 2 एडिशन एंड 1 4 एडिशन का मैंने कंडीशन बताया था, अगर हार्ड न्यूक्लियोफाइल होगा तो 1 2 एडिशन, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है तो 1 4 एडिशन। तो ये बेसिकली अगर सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है तो फिर ये इस पे अटैक करेगा, सोचिए इस पे अटैक किया, ये बॉन्ड इधर, ये इधर गया, क्या बन जाएगा। पहली बात तो याद रख लें कि यहाँ पे 1 4 एडिशन हो रहा है। अब आप प्रोडक्ट लिख सकते हैं कैसे, ये बन जाएगा सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड सी एच सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच ओ माइनस, ये बन गया। अब एसिडिफिकेशन कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, एसिडिफिकेशन के बाद ये हो जाएगा सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड ओ एच, ये हो गया। और चलिए इसको टॉटमराइज कर देते हैं। अगर मैं इसको टॉटमराइज कर दूं तो ये हो जाएगा सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ
सी एच सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड ओ, ये हो गया फाइनल प्रोडक्ट। चलिए बस आप इसमें एक लाइन लिख लीजिए कि यहां पे रिएक्शन क्या हो रहा है, 1,4 एडिशन होगा वाया इनॉल फॉर्मेशन, राइट। तो यहां पे टॉटोमेराइज भी करना आपको, तो लिख लीजिए एक लाइन कि 1,4 एडिशन, 1,4 एडिशन एंड देन टॉटोमेराइजेशन, और देखिए मैं एक चीज आपको बता दूं कि मैंने 1,4 एडिशन का एक शॉर्टकट बताया था। शॉर्टकट क्या बताया था कि मैंने ये बोला था कि 1,2 एडिशन करना है तो आप यहीं पे रिएक्शन कर दीजिए सी डबल बॉन्ड ओ पे, मान लीजिए यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे एच अटैच कर दीजिए। 1,4 एडिशन करना है तो 1,4 एडिशन में शॉर्टकट ये होता है सी डबल बॉन्ड सी पे रिएक्शन होता है। कैसे रिएक्शन करना है, सी डबल बॉन्ड सी के बगल में माइनस एम ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो इधर डेल्टा माइनस इधर डेल्टा प्लस, तो न्यूक्लियोफाइल को कहाँ पे अटैक करेंगे, न्यूक्लियोफाइल को डेल्टा प्लस में, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पे एच अटैच कर दीजिए। ये हो गया 1,4 एडिशन। देखो होता है ये बेसिकली 1,4 में इस पे और इस पे एडिशन होगा, इस पे और इस पे एडिशन होगा, लेकिन टॉटोमेराइजेशन के बाद आपको इफेक्टिवली दिखेगा कि एडिशन एक तो इस पे हुआ है और दूसरा हाइड्रोजन इस पे आया है। मैंने इसलिए एक शॉर्टकट बताया था कि अगर 1,2 एडिशन करना है तो सी डबल बॉन्ड ओ पे एडिशन करिए, 1,4 एडिशन करना है तो वन लाइन में जस्ट सी डबल बॉन्ड सी पे करिए। कहां पे एच ऐड करेंगे, कहां पे न्यूक्लियोफाइल ऐड करेंगे, इसके लिए शॉर्टकट ये है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन माइनस एम के साइड में शिफ्ट होगा तो यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस होगा तो यहाँ पे एच ऐड करेंगे, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ऐड करेंगे। आई होप क्लियर है। चलिए अपन इस पे कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। तो फिर से ये रिएक्शन आप वन लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो यार बेस है और ये एक्टिव मिथाइलिन एंड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। आपको पता है रिएक्शन 1,4 एडिशन होता है, मीन्स यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बनेगा, OH- माइनस इस पे अटैक करेगा, यहाँ पे माइनस बनेगा, ये न्यूक्लियोफाइल बन गया। कहाँ पे रिएक्शन होगा, सी डबल बॉन्ड सी पे, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे। क्यों शिफ्ट होंगे, बिकॉज यहाँ पे ये माइनस एम ग्रुप है तो यहाँ पे डेल्टा माइनस और यहाँ पे डेल्टा प्लस, राइट। तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, मतलब एक लाइन में आप लिख सकते हो यार प्रोडक्ट इसका, यहाँ पे सी एच सी डबल ओ सी एच थ्री सी डबल ओ सी एच थ्री और यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा। यहां भी सोचिए क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल बनेगा सी एच माइनस और ये यहाँ पे अटैक करेगा, क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड ओ सी एच सी डबल ओ आर सी डबल ओ आर यहाँ पे हाइड्रोजन, ये होगा फाइनल प्रोडक्ट। चलिए एट्थ के बाद नाइन्थ रिएक्शन टिशेंको रिएक्शन।
इसमें एक लाइन लिख लीजिए टिशेंको रिएक्शन में, दिस रिएक्शन इज गिवन बाय, दिस रिएक्शन इज गिवन बाय एल्डिहाइड ओनली। दिस रिएक्शन इज गिवन बाय एल्डिहाइड ओनली। तो रिएक्शन क्या है, कोई आप एल्डिहाइड ले लीजिए आर सी एच ओ और इस पे एल एल्यूमिनियम ओ सी टू एच फाइव होल थ्राइस, कोई भी अल्कोक्साइड ले लीजिए, इसके साथ रिएक्शन होगा तो ये बनेगा आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एच टू आर, ये प्रोडक्ट होगा। मीन्स ये एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड से आप टिशेंको रिएक्शन से मतलब एल्यूमिनियम यहाँ पे अल्कोक्साइड ऐड करके आप ये एस्टर बना सकते हैं। चलिए इसका मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। इसका मैकेनिज्म कुछ ऐसा है, इसका आपके पास R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड हुआ है और एल्यूमिनियम ओ ई टी होल थ्राइस है। और मैं आपको बता दूं कि एल्यूमिनियम जस्ट थ्री ओ ई टी से बॉन्ड बनाया है, इट मीन्स एल्यूमिनियम के पास टोटल सिक्स इलेक्ट्रॉन है, सिक्स इलेक्ट्रॉन है मीन्स इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है इट मीन्स ये लेविस एसिड है। अब आपको पता है लेविस एसिड क्या करेगा, लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, तो यहां पे लोन पेयर है तो ये लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, तो कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा यार, ये बन जाएगा आर सी एच डबल बॉन्ड ओ एल ओ ई टी होल थ्राइस, एल्यूमिनियम पे माइनस ऑक्सीजन पे प्लस। आई होप इतना क्लियर है। अब आगे क्या होगा, चलिए मैं काम करता हूं इसको, इसका जस्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, मतलब ये बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट होगा मीन्स मैंने कुछ नहीं किया जस्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, तो ये बन जाएगा आर सी एच सिंगल बॉन्ड ओ प्लस सिंगल बॉन्ड एल्यूमिनियम ओ ई टी होल थ्राइस माइनस, ये बन गया। अब क्या होगा, इस सी प्लस पे फिर से आर सी एच ओ अटैक करेगा, कैसे अटैक करेगा, तो इस पे यार आर सी एच डबल बॉन्ड ओ में कौन सा पार्ट इस सी प्लस पे अटैक करेगा, आपको पता है यहाँ पे मोर न्यूक्लियोफिलिक साइट ऑक्सीजन है बिकॉज सी डबल बॉन्ड ओ में ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस कार्बन पे डेल्टा प्लस, तो ये इस पे अटैक करेगा, तो ये क्या बन जाएगा आर सिंगल बॉन्ड सी एच ओ ए एल ओ ई टी होल थ्राइस माइनस सिंगल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एच आर एंड ओ पे रहेगा प्लस चार्ज। आई होप यहां तक तो बहुत ही सिंपल है, मतलब मैंने कुछ नहीं किया यार जस्ट ऑक्सीजन का लोन पेयर इसको डोनेट कर दिया, क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, थोड़ा ध्यान से देखें आप, नेक्स्ट स्टेप में ये जो ए एल ओ ई टी होल थ्राइस है ये फिर से बाहर निकल जाएगा, मीन्स नेक्स्ट स्टेप में यहां से ए एल ओ ई टी होल थ्राइस बाहर निकलेगा न्यूट्रल फॉर्म में, तो यार माइनस था अगर न्यूट्रल फॉर्म में बाहर जा रहा है तो यहां पे ओ पे माइनस आएगा राइट, क्या होगा जब ओ पे माइनस आएगा तो ये बॉन्ड इस पे आएगा, ओ पे माइनस है ओ माइनस इस पे डोनेट करेगा और यहां से एच माइनस के फॉर्म में ये यहां पे शिफ्ट होगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट होगा। देखिए कुछ ज्यादा ही यहां पे शिफ्टिंग हो रहा है, फिर से मैं बताता हूं यहां से नीचे से स्टार्ट कर रहा हूं, सी डबल बॉन्ड ओ प्लस है, आप चाहे तो स्टेप वाइज सोच सकते हैं, ये बॉन्ड ऊपर जाएगा वो न्यूट्रल हो जाएगा सी पे प्लस आएगा, ये बॉन्ड अगर ऊपर गया सी पे प्लस वो न्यूट्रल हो गया, सी पे प्लस है मैं यहां से क्या कर रहा हूँ एच माइनस माइग्रेट कर रहा हूँ, एच माइनस आके सी प्लस पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड सी एच हो जाएगा, एच माइनस गया तो यहाँ पे सी पे प्लस आएगा, सी पे प्लस और बगल में ओ माइनस था तो ये मिलके सी डबल बॉन्ड ओ बन जाएंगे, मीन्स प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड सी एच एच सिंगल बॉन्ड आर आर सी एच टू ओ सी डबल ओ आर, तमीज से लिखा जाए तो वही है बेसिकली, ठीक नोट कर लीजिए।
अब चलिए यहाँ पे टिशेंको रिएक्शन में अगर फटाक से आपको एक लाइन में आंसर लिखना है तो अपन क्या करने वाले हैं, शॉर्टकट ये है, देखो चलो मैकेनिज्म से तो आपको समझ में आ गया। वन लाइन में आप ऐसे सोचिए कि अल्डिहाइड है, 1 मोल अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करिए। आप मन में सोचो 1 मोल अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर दिया क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा RCOOH। अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन क्या होता है, एसिड होता है। 1 मोल अल्डिहाइड और ले और उसको रिड्यूस कर दीजिए, ये प्रोडक्ट लिखने का शॉर्टकट है। तो क्या हो जाएगा, ये RCH2OH यही होगा। 1 मोल अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज करेंगे तो एसिड, 1 मोल अल्डिहाइड लेके रिड्यूस किया तो अल्कोहल, और बस एसिड अल्कोहल में रिएक्ट कर दो, क्या बन जाएगा RC OOCH2R, यही बन रहा है क्या। तो जो भी एल्डिहाइड दिया है 1 मोल ऐसे खुद से सोचें ऑक्सीडाइज करना है, खुद से सोचें रिड्यूस करना है, दोनों को कंबाइन कर दीजिए, एस्टर बन जाएगा। आप लिख लीजिए शॉर्टकट क्या है इसका, लिखिए कि 1 मोल अल्डिहाइड इज, की पॉइंट लिख लो, 1 मोल अल्डिहाइड इज, 1 मोल अल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू एसिड, 1 मोल अल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू एसिड एंड 1 मोल अल्डिहाइड इज, एंड 1 मोल अल्डिहाइड इज रिड्यूस्ड टू अल्कोहल फॉलोड बाई, 1 मोल अल्डिहाइड इज रिड्यूस्ड टू अल्कोहल फॉलोड बाई एस्टरीफिकेशन, आपको एस्टर फॉर्म करना है, फॉलोड बाई एस्टरीफिकेशन। चलिए आप ये ट्राई करें, ये तो फर्स्ट बहुत ही सिंपल था, क्या हो जाएगा CH3 CH2 CH3, ये बनेगा, इसको PH3OH PH3H2OH, तो क्या हो जाएगा PH3OH CH2PH, ये बन जाएगा। HCOO को किसमें करोगे, HCOO प्लस ये हो जाएगा CH3OH, यहां से OH H बाहर निकाला तो ये बन जाएगा HC OO सिंगल बॉन्ड O CH3, ये एस्टर हो जाएगा। इसका देखिए ऑक्सीडेशन अगर किया जाए तो आप इसको ऐसे सोचना है PH3OD है, तो इसमें CH3COOD है, तो अगर अपन इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये बन जाएगा CH3COOD, रिड्यूस करेंगे तो CH3 ये CD2OD में जाएगा, ठीक। तो ये OD और D बाहर जाएगा, मीन्स ये बन जाएगा CH3COOD सिंगल बॉन्ड ओ CD2CH3 बनेगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, आप मैकेनियम से एक बार देख लीजिए, यहाँ पे जो मैकेनियम था R, यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे ड्यूटेरियम है, तो यहाँ पे बेसिकली यार ड्यूटेरियम रहेगा और यहाँ भी ड्यूटेरियम है, ठीक। जो मैकेनियम में लिखा था आप देखें एक बार, ये वाला स्टेप, तो ड्यूटेरियम दोनों जगह पे, ये बॉन्ड अगर इधर जा रहा है तो ये बनने वाला था यहाँ पे RC ड्यूटेरियम सिंगल बॉन्ड ओ AlOET होल थ्राइस
माइनस सिंगल बॉन्ड ओ प्लस डबल बॉन्ड सी डी सिंगल बॉन्ड आर। नेक्स्ट स्टेप में ये बॉन्ड इधर आता है, ये ड्यूटेरियम इस पे माइग्रेट करता है, तो आर सी डी टू बन रहा है, सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ आर, इसलिए यहाँ पे सी डी टू बनेगा। तो हो जाएगा सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ सी डी टू सी एच थ्री। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं, नाइन, बेंजील बेंजिलिक रीअरेंजमेंट। चलिए इसमें एक एक लाइन लिख लीजिए आप कि ये रिएक्शन कब होगा। लिखिए कि इन दिस रिएक्शन वन कॉमा टू डाई कीटोन, इन दिस रिएक्शन वन टू डाई कीटोन कन्वर्ट्स इनटू, इन दिस रिएक्शन वन टू डाई कीटोन कन्वर्ट्स इनटू, इन दिस रिएक्शन वन टू डाई कीटोन कन्वर्ट्स इनटू सॉल्ट ऑफ इनटू सॉल्ट ऑफ टू हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, टू हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। अब चलिए मतलब समझते हैं इसका। मान लीजिए आपके पास कोई वन टू डाई कीटोन है, जैसे मान लीजिए पी एच सी डबल बॉन्ड हो सी डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड पी एच, और यहाँ पे बेस है। आप देख रहे हैं ये वन टू डाई कीटोन है। सबसे पहले तो आप वन टू डाई कीटोन का मतलब समझें, एटम नंबर वन एंड एटम नंबर टू पे कीटोन है, दोनों पे अगर कीटोन है तो इसे बोलेंगे वन टू डाई कीटोन। क्लियर है? अगर ये वन टू डाई कीटोन है, बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन कैसे होगा? यहाँ पे क्या होता है, ये ओ एच माइनस इस पे अटैक करेगा, राइट? तो ये क्या बन जाएगा, पी एच सी डबल बॉन्ड सी ओ माइनस सिंगल बॉन्ड फिनाइल सिंगल बॉन्ड ओ एच। बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहां पे ओ माइनस वापस आएगा, और जैसा आप कैनिजारो में रिएक्शन सोचते थे कुछ वैसा ही यहां पे भी सोचे, ये ओ माइनस वापस आएगा, ये पी एच माइनस, कैनिजारो में यहाँ पे हाइड्रोजन जाता है लेकिन यहाँ पे कीटोन है, कीटोन है मीन्स हाइड्रोजन किसी भी साइड में नहीं है। तो अब क्या करेंगे, ये जो फिनाइल दिख रहा है इसी को शिफ्ट करेंगे दूसरे पोजीशन पे, तो ये क्या बन जाएगा, फिनाइल सिंगल बॉन्ड सी ओ माइनस, ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, सिंगल बॉन्ड फिनाइल सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ एच। क्लियर है? अब बस इंट्रा मॉलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन कर दीजिए। तो इंट्रा एसिड बेस रिएक्शन क्या हो जाएगा, एच प्लस शिफ्ट हो जाएगा, फिनाइल सी ओ एच सिंगल बॉन्ड फिनाइल सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस। अब देखिए वन टू डाई कीटोन है, बेस में क्या हो गया, ये एसिड था, एसिड का ये सॉल्ट है बिकॉज एच प्लस नहीं है, तो एसिड का सॉल्ट और एसिड के वन एंड टू, एसिड के सेकेंड पोजिशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसलिए मैं इसको बोलूंगा टू हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन एच प्लस नहीं है इसलिए ये सॉल्ट है, इसलिए बोलेंगे सॉल्ट ऑफ टू हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है? तो ये रिएक्शन है बेसिकली बेंजील बेंजिलिक रीअरेंजमेंट। बस याद रखें कि यहां पे क्या होने वाला है, ये दोनों कीटोन होने चाहिए। इसके पहले भी मैंने आपको एक एग्जाम्पल करवाया था, जैसे यहाँ पे सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ, या फिर फिनाइल ले लेते हैं, फिनाइल सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ एच, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ग्रुप आ गया, अब ये कीटोन नहीं है, तो मैंने इसमें क्या बोला था, आप जाके चेक करना कैनिजारो रिएक्शन होता है यहाँ पे। कैनिजारो कैसे होता है, फर्स्ट अटैक इस पे होगा, इस पे होगा, इस पे होगा, तो ये ऑक्सीडाइज होगा, ये रिड्यूस हो जाएगा, इनसे बन जाएगा पी एच सी एच ओ एच सिंगल बॉन्ड सी डबल ओ माइनस।
तो वो कैनिजारो है, दोनों ही अगर कीटोन रहे फिर ये बेंजील बेंजिलिक रीअरेंजमेंट हो जाएगा। आई होप क्लियर है। चलिए कुछ इस पे एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अब ऐसे सिचुएशन में आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कहां पे अटैक होगा, इस पे या इस पे। आपको पता है प्लस एम ग्रुप है राइट, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा ज्यादा होगा इसके रिस्पेक्ट में। कैसे चेक किया मैंने, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ओएमई प्लस एम ग्रुप है, तो अगर इस सी डबल बॉन्ड ओ के बगल में प्लस एम ग्रुप लगाया तो ये इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा यहां पे, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है इसीलिए ओएच माइनस इस पे अटैक करेगा। क्लियर है। यहां पे माइनस एम ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, यहां पे डेल्टा प्लस ज्यादा होगा इसलिए ओएच माइनस इस पे अटैक करेगा। इन दोनों में सेम है, कहीं भी अटैक कर सकते हैं, यहां भी सेम है, कहीं भी अटैक कर सकते हैं आप। फिर इसके आगे की स्टोरी तो सेम है, आप बता सकते हैं। चलिए यहां पे क्या होगा, इस पे अटैक करेगा तो ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड ओ एच ओ माइनस, वापस आएगा ये बॉन्ड इस पे माइग्रेट करेगा, मींस ये हो जाएगा फिनाइल ओ एम ई सिंगल बॉन्ड कार्बन ओ माइनस ओ एच में जाएगा सिंगल बॉन्ड फिनाइल सी डबल बॉन्ड ओ माइनस। नहीं आया वन लाइन में, देखिए क्या करेंगे। इतना तो क्लियर है कि प्लस एम ग्रुप के कारण इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा OH- माइनस उसी पे अटैक करेगा, इस पे अटैक किया तो ये बन जाएगा O- OH, O- वापस आएगा तो ये ग्रुप यहां से माइग्रेट होगा इस पे, तो इस C पे O- PH OMe PH और यहां पे C डबल O OH रहेगा, इंट्रा मॉलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन तो H+ इस पे ट्रांसफर कर देंगे। चेक मैं फिर से तमीज से सॉल्व कर देता हूं, ये बॉन्ड इस पे जाएगा, ये क्लियर है आपको, बिकॉज यहाँ पे माइनस एम ग्रुप लगाया तो ये क्या होगा, ये बॉन्ड इस पे अटैक करते ही ये बन जाएगा ओ माइनस और ये बन जाएगा सिंगल बॉन्ड ओ एच। नेक्स्ट स्टेप में ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये यहां से माइग्रेट होके इस पे आएगा।
क्लियर है। तो ये बन जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच सिंगल बॉन्ड कार्बन ओ माइनस पी एच एनओ टू सिंगल बॉन्ड फिनाइल। इसके आगे बस इंट्रा मॉलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन कर दीजिए, ये एच प्लस इसको इस पे ट्रांसफर कर दीजिए। यहाँ पे दोनों ही सेम है, कहीं पे अटैक करिए, अटैक किया ये बॉन्ड इधर गया तो क्या हो जाएगा ओ माइनस सिंगल बॉन्ड ओ एच वापस जाएगा, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होके इस पे अटैक करेगा, मीन्स ये हो जाएगा सी पे सिंगल बॉन्ड ओ माइनस, यहां भी सी डबल ओ एच, एच प्लस का अपन ट्रांसफर करेंगे राइट। इस केस में यहां पे क्या होगा, कहीं भी अटैक कर दीजिए, ओ एच माइनस अगर मैंने इस पे अटैक किया तो ये हो जाएगा ओ माइनस सिंगल बॉन्ड ओ एच। आई होप यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब ये O माइनस वापस आता है, अब यहां पे क्या होगा थोड़ा सा डिफरेंट आपको सोचना है, ये O माइनस वापस आएगा, जैसे ये O माइनस वापस आता है तो कार्बन OH से नेक्स्ट वाला बॉन्ड कौन सा बॉन्ड माइग्रेट करते हैं थोड़ा ध्यान रखें आप, जब O माइनस वापस आएगा तो एक तो C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O लगा, ये ग्रुप माइग्रेट नहीं करेगा, OH वाला भी माइग्रेट नहीं करेगा, C डिफरेंट जो ग्रुप है ये माइग्रेट करता है, यहां पे कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा, O माइनस वापस आएगा राइट, OH माइग्रेट नहीं करेगा, सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ माइग्रेट नहीं करेगा, ये ग्रुप यहां से इस पे माइग्रेट करेगा, मीन्स ये क्या बनने वाला है, नीचे तो सिक्स मेंबर रिंग रहेगा सिंगल बॉन्ड। अब यार ये जब यहां से माइग्रेट कर जाएगा सोचिए कितना मेंबर रिंग बनेगा, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनेगा ये सिर्फ ये, और यहां पे फिनाइल रहेगा, और ये माइग्रेट करते ही देखिए कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन गया। अब यहां पे देखिए क्या होगा, ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O C, C सिंगल बॉन्ड O माइनस सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O H। अगर मैं इसको थोड़ा तमीज से लिखूं, चलिए एक बार ये OH माइनस इस पे माइग्रेट किया राइट, तो क्या बनेगा ये इसमें माइग्रेट करते ये बन जाएगा O माइनस और बन जाएगा ये सिंगल बॉन्ड OH। यहां तक आ गए थे अपन, O माइनस वापस आएगा, ये ग्रुप यहां से ब्रेक होके ये इससे अटैच होगा, यहां से ये ब्रेक होने वाला है और यहां से अटैच कर दो, क्लियर है, तो ये बन जाएगा राइट। फिर अब कुछ नहीं, एसिड बेस रिएक्शन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। फोर्थ को चलेगा, आपको फोर्थ समझ में आ गया, फिफ्थ बताएं, OH माइनस के साथ हीट कर रहा है, सोचिए किस पे रिएक्शन होगा, और
आपको फिफ्थ में ये सोचना है कि कौन से थ्री डबल बॉन्डों पे रिएक्शन होगा। कैसे सोचेंगे, यहां पे देखिए इस NO2 का माइनस एम इफेक्ट ऑर्थो पे रहेगा, माइनस एम यहाँ पे ऑर्थो पे रहेगा एंड पैरा पे रहेगा। इस NO2 का भी माइनस एम इसके ऑर्थो पे एंड पैरा पे रहेगा। तो इस थ्री डबल बॉन्डो के पास में माइनस एम ग्रुप है, इस थ्री डबल बॉन्डो के पास में माइनस एम ग्रुप नहीं है, इसका मतलब ये क्लियर हो गया OH माइनस इस पे अटैक करेगा। क्लियर है? तो ये क्या बनेगा, NO2 यहां पे NO2 रहेगा, ये इस पे अटैक करेगा तो ये हो जाएगा OH एंड O माइनस। अब आपको पता है स्टोरी, ये वापस आएगा तो ये ग्रुप यहां से माइग्रेट होगा इस पे, तो ये क्या बन जाएगा, ये सिक्स मेंबर रिंग NO2, ये सिक्स मेंबर रिंग यहां पे NO2, और ये बॉन्ड ब्रेक होके इससे अटैच हो जाएगा, ये हो जाएगा O माइनस, और क्योंकि ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होके यहां से अटैच हो रहा है, और फिर क्या रहेगा इससे, सी डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। बाकी तो आप इंट्रा मॉलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन कर दीजिए। यहां पे देखा जाए फिर से OH माइनस इस पर अटैक करेगा, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस सिंगल बॉन्ड OH, वापस आएगा फिर से इस बॉन्ड को शिफ्ट कर दीजिए इस पे, तो ये हो जाएगा कितना मेंबर रिंग, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग यहां से अटैच होगा ये, राइट। तो ये 5 मेंबर रिंग ड्रॉ कर दिया मैंने, नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5, 1 एंड 5 के बीच में बॉन्ड है, 1 पे O माइनस है, 5 पे देखिए क्या अटैच है, 5 पे ये बॉन्ड ब्रेक हो गया है राइट, और इससे अटैच हो गया, 5 पे कुछ नहीं है, 1 पे O माइनस और 1 पे ही सी डबल बॉन्ड ओ एच है। इंट्रा मॉलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन कर दीजिए, ओ एच सी डबल ओ माइनस। इसलिए अपन ये 9 बेसिकली रिएक्शन है जो कि नेम रिएक्शन में आते हैं, तो मैकेनिज्म आप देखेंगे ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो आप एक बार इनको रिवाइज किया करें। पहला रिएक्शन अगर आपको समझ में आ गया अल्डोल, ठीक, तो बाकी सारे ही सेम है, मतलब इनमें बेसिक मैकेनिज्म यही है कि आप पहले मॉलिक्यूल से आप क्या करने वाले हैं, नेगेटिव चार्ज मीन्स न्यूक्लियोफाइल बनाएंगे, फिर ये न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करेगा, फिर अगर हाइड्रोलिसिस है तो सी डबल ओ आर को सी डबल ओ एच में कन्वर्ट करेंगे, हीटिंग है तो फिर हीटिंग इफेक्ट देखेंगे। आई होप इतना क्लियर है। 9 रिएक्शन आप रिवाइज करें, इसलिए एक दो रिएक्शन और है जो नेम रिएक्शन अब नहीं है, लेकिन आपको ऐसे एक रिएक्शन मैंने पढ़ाया होगा, ये हेडिंग दीजिए रिएक्शन ऑफ डायजोमिथेन विथ अल्कोहल। मतलब ये रिएक्शन आपको पता है कि ROH पे CH2N2 को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, आपको CH2N2 से कार्बिन बनता है आपको पता है, और ये बन जाएगा RO CH3, मींस OH बॉन्ड में इंसर्शन होता है, याद है ना आपको, ROH बॉन्ड या RH में CH2 का इंसर्शन होता है, तो यहां से आप ईथर बना सकते हैं। अगर इसका मैकेनिज्म देखा जाए, CH2N2 होता है, CH2 डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है। अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो ये बॉन्ड इधर ये बॉन्ड इधर, मीन्स ये बन जाएगा CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N। अब ये अटैक करेगा ROH पे, ROH प्लस CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N, इसको एज एन एसिड ट्रीट करिए, इसको एज अ बेस ट्रीट करिए और रिएक्शन करेंगे, इसका एच प्लस इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये बन जाएगा RO- प्लस CH3N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N। कुछ नहीं, जस्ट ये CH2 माइनस है, इसके एच प्लस को एक्सेप्ट कर लिया, एसिड बेस रिएक्शन हुआ तो ये RO- प्लस CH3N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N बन गया। इसके आगे की स्टोरी तो आपको बहुत ही सिंपल लग रहा होगा,
आर ओ माइनस इस पर अटैक करेगा, ये एन टू गुड लिविंग ग्रुप है, बाहर निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, आर ओ सी एच थ्री। ऑफ कोर्स ये टू इक्विवेलेंट है, रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विथ डाइजोमिथेन। ये तो आपने सॉल्व कर ही लिया होगा, क्या होगा, सी एच टू आएगा, ओ एच बॉन्ड में सी एच टू इंसर्ट कर दीजिए, आर ओ सी एच थ्री, यहाँ पे दो इक्विवेलेंट है, यहाँ पे ओ सी एच थ्री, ओ सी एच थ्री, सिंपल है। राइट, अब चलिए नेक्स्ट आते हैं, जो कि यहाँ पे मुझे एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ाना था, रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विथ डाइजोमिथेन। कार्बोनिल कंपाउंड मीन्स कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन है, इसका रिएक्शन डाइजोमिथेन के साथ होता है, तो ये R C डबल बॉन्ड O C H 2 R बन रहा है। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या बन रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कार्बन एंड अल्काइल ग्रुप में सी एच टू का इंसर्शन हो रहा है। राइट, कार्बन एंड अल्काइल ग्रुप में यहाँ पे क्या हुआ, सी एच टू का इंसर्शन हुआ है, क्लियर है। लेकिन चलिए मैकेनिज्म सोचते हैं, मैकेनिज्म कैसा होगा। तो देखो यार, पहले स्टेप में तो यही सी एच टू एन टू इस फॉर्म में आएगा, C माइनस मोर रिएक्टिव है। अब क्या होगा, आपके पास R C डबल ओ आर है और आपके पास सी एच टू माइनस एन प्लस ट्रिपल बॉन्ड एन है। खुद से सोचिए कहां पे अटैक करेगा, C पे माइनस है, आप बता सकते हैं कहां पे अटैक करेगा, तो ये डेल्टा प्लस, यहां पे डेल्टा माइनस, तो इस डेल्टा प्लस पे अटैक करेगा और ये बन जाएगा R C O माइनस सिंगल बॉन्ड R सी एच टू सिंगल बॉन्ड एन प्लस ट्रिपल बॉन्ड एन। यहां तक तो स्टोरी बहुत ही सिंपल होगा। नेक्स्ट स्टेप में अपने यहां पे क्या होता है, यानी देखो ये एन टू गुड लिविंग ग्रुप है, राइट, तो ये जब एन टू बाहर जाएगा, खुद से इमेजिन करो, अगर एन टू बाहर जाएगा तो अपना बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन लेके बाहर जाएगा, तो अगर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन लेके बाहर जाएगा तो सी पे प्लस आने वाला है। अब यहां पे क्या होगा, ये होगा जो माइनस दिख रहा है ये वापस आएगा और इनमें से कोई भी एक अल्काइल ग्रुप माइग्रेट करेगा और ये अल्काइल ग्रुप माइग्रेट करके इस पे अटैक करेगा और ये यहां से बाहर जाएगा। तो डाउट आएगा कि अगर ये दोनों डिफरेंट अल्काइल ग्रुप रहेंगे तो कौन माइग्रेट करेगा, तो जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है वो माइग्रेट करेगा और प्रोडक्ट बन जाएगा आर, चलो मैं ऐसे लिख देता हूं, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर सिंगल बॉन्ड सी एच टू सिंगल बॉन्ड आर, ये हो गया प्रोडक्ट। तो आप चलिए एक लाइन लिख लीजिए इसमें कि कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा, नोट में लिख लीजिए, दैट ग्रुप विल माइग्रेट विच हैज मोर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड That group will migrate which has more migratory aptitude because यहाँ से अगर R माइनस जाएगा तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बैक बॉन्डिंग से स्टेबिलाइज हो रहा है, बिकॉज कार्बोकेटाइन इज स्टेबिलाइज बाई बैक बॉन्डिंग। ठीक, तो देखो यार की पॉइंट ये है कि यहाँ पे रिएक्शन में क्या करना है, सी एच टू को इंसर्ट करना है कार्बन एंड अल्काइल ग्रुप के बीच में। राइट, एक लाइन तो आपको समझ में आ ही रहा होगा किसके बीच में। देखो अगर ये आर गुड, जिसका माइग्रेटरी ग्रुप ज्यादा था
तो ये माइग्रेट होगा, तो जिसका माइग्रेटरी ग्रुप ज्यादा है ये यहां पे आ रहा है। इट मीन्स CH2 को पता है किसके बीच में इंसर्ट करने का, दो अल्काइल ग्रुप है, तो जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है उसके एंड सी डबल बॉन्ड ओ के बीच में CH2 को इंसर्ट कर दें। मीन्स इस रिएक्शन का की पॉइंट क्या है, की पॉइंट लिख लीजिए एक लाइन कि इंसर्ट CH2 इन बिटवीन सी डबल बॉन्ड ओ एंड एंड बेटर माइग्रेटरी ग्रुप, सी डबल बॉन्ड ओ एंड बेटर माइग्रेटरी ग्रुप। मतलब एक क्लियर, अगर आर दोनों अगर अल्काइल ग्रुप हैं, दोनों डिफरेंट हैं, जिसका माइग्रेटरी ग्रुप ज्यादा है उसकी और सी डबल बॉन्ड ओ के बीच में आप CH2 इंसर्ट कर दीजिए। और आपको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड शायद याद होगा, हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा, फिर फिनाइल, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री होता है। ये ऑर्डर ध्यान रखें, आप कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट में पढ़ा था। मतलब यार अभी प्रॉब्लम तो बहुत ही सिंपल हो गया। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि CH3 सी डबल ओ CH2 CH3, इस पे CH2 N2 के साथ हीट करते हैं, CH2 CH3 इसको CH2 N2 के साथ हीट करते हैं, इसको भी CH2 N2 के साथ हीट करते हैं, इसलिए एक और छोटा सा टॉपिक है ये भी पढ़ लेते हैं, कार्बिनॉइड इसी लेक्चर का। चलिए यहाँ पे क्या होगा, ये तो आपको समझ में आ रहा है, इन दोनों में से ये बेटर माइग्रेटरी ग्रुप है तो CH2 इसके बीच में इंसर्ट कर दो यार, राइट CH2 ऐसे। इन दोनों में ये बेटर माइग्रेटरी ग्रुप है तो यहाँ पे बस CH2 आएगा और कुछ होने वाला ही नहीं है। फिनाइल एंड 2 डिग्री में फिनाइल बेटर माइग्रेटरी ग्रुप है तो यहाँ पे CH2, पीएच NO2 और फिनाइल में माइनस सेम ग्रुप से माइग्रेटरी एप्टीट्यूड डिक्रीज होता है, तो फिनाइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है, कार्बोकेटायन में पढ़ें CH2 यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे कहीं भी इंसर्ट कर दीजिए दोनों साइड में, तो क्या हो जाएगा ऐसे। यहाँ पे मैं अगर CH2 इंसर्ट कर दूं कुछ ऐसा बनेगा, नहीं देखो यार 5 मेंबर रिंग था, CH2 मैं यहीं पे इंसर्ट कर दूं, मतलब यहां पे मैंने जस्ट CH2 लिखा और इंसर्ट कर दिया ऐसे ऐसे, तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बनेगा। टॉटोमेराइज कर दूं क्योंकि इससे मोर स्टेबल, टॉटोमेराइज करने से क्या बनेगा, ये यहां पे ऐसा 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 सिंगल बॉन्ड OH एरोमेटिक बन रहा है इसलिए इस फॉर्म में जाएगा।
से फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, छोटा सा टॉपिक है कार्बिनॉइड, ये भी देख लेते हैं। आपको जैसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड समझ में आता है, कार्बन से अगर मेटल डायरेक्टली अटैच है तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, लेकिन अगर कार्बन से मेटल अटैच है साथ में हैलोजन अटैच है, कार्बन से मेटल अटैच है और साथ में अगर हैलोजन अटैच है तो इस स्पीसीज को बोलते हैं कार्बिनॉइड। क्लियर है? कार्बन से मेटल और सेम कार्बन से हैलोजन भी अटैच है तो इसे क्या बोलेंगे? कार्बिनॉइड बोलेंगे। तो एक लाइन लिख लीजिए कार्बिनॉइड में, लिखिए कि द स्पीसीज इन विच कार्बन इज, द स्पीसीज इन विच कार्बन इज डायरेक्टली बॉन्डेड विथ, द कार्बन इज डायरेक्टली बॉन्डेड विथ मेटल एज वेल एज हैलोजन, द स्पीसीज इन विच कार्बन इज डायरेक्टली बॉन्डेड विथ मेटल एज वेल एज हैलोजन एंड हुज प्रॉपर्टी इज, and whose property is similar to carbene, and whose property is similar to carbene is called carbinoid. अब देखिए इसका प्रॉपर्टी कार्बीन जैसा क्यों होगा आप खुद से इमेजिन कर सकते हैं। अगर मैं बोलता आपसे कि मान लीजिए RMGX है, ठीक, आपको पता है कि Mg क्या करेगा, मेटल है तो RMGX को जब भी ब्रेक करेंगे तो R माइनस और इधर MgX प्लस में ब्रेक होता है, इतना पता है। मतलब मेटल से अगर कोई भी कार्बन ग्रुप अटैच होगा तो मेटल जब भी ब्रेक होगा बॉन्ड, राइट, तो ये क्या करेगा, मेटल M प्लस के फॉर्म में बाहर जाएगा, तो यहां से C पे क्या आएगा, माइनस आएगा। क्लियर है? फिर से बता रहा हूं, यहां पे ट्रीट करिए RMGX है तो ब्रेक करेंगे तो R माइनस और MgX प्लस आता है। मेटल ऑलवेज इलेक्ट्रॉन लेके नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन दे के बाहर जाता है, तो मेटल अगर इलेक्ट्रॉन दे के बाहर जाएगा तो मेटल पे प्लस, C पे माइनस आएगा। और अगर कार्बन हैलोजन बॉन्ड ब्रेक होगा तो हैलोजन तो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन बाहर लेके जाएगा, मीन्स X माइनस के फॉर्म में आएगा, मीन्स CH2 में इस ऑर्बिटल में वैकेंट रहेगा बिकॉज यहां से इलेक्ट्रॉन तो x माइनस ले गया है, और एक ऑर्बिटल जो मेटल से अटैच था इसमें क्या होगा, लोन पेयर रहेगा, मींस माइनस है तो मींस कार्बन का एक ऑर्बिटल वैकेंट और एक ऑर्बिटल लोन पेयर, कार्बिन जैसा बिहेव कर रहा है क्या, इसका प्रॉपर्टी कार्बिन जैसा ही होगा। आई होप क्लियर है? तो आप जनरल लिख सकते हैं फॉर्मूला कि कार्बिनॉइड का जनरल फॉर्मूला कुछ ऐसा होना चाहिए, सी एच टू एक्स मेटल होना चाहिए, राइट, एक जैसे जो स्टैंडर्ड कार्बिनॉइड हमें पढ़ना है CH2I सिंगल बॉन्ड ZnI, ये हमें पढ़ना है, ये कार्बिनॉइड का एग्जांपल है। ये फॉर्म कैसे होगा, CH2I2 पे अगर आप जिंक के साथ हीट कर दीजिए आपको मिल जाएगा ICH2 सिंगल बॉन्ड ZN सिंगल बॉन्ड I, ये बेसिकली हो जाएगा कार्बिनॉइड। मैकेनिज्म कैसा होगा, जिंक को हीट करने से जिंक 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में जाएगा और CH2I2 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये हो जाएगा CH2 माइनस I प्लस I माइनस, कुछ नहीं, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देके जिंक 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, CH2I सिंगल बॉन्ड I है, एक बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो I माइनस और CH2 प्लस रहेगा, CH2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके CH2 माइनस बन जाएगा, मींस ओवरऑल रिएक्शन अगर आप देखेंगे तो जिंक प्लस CH2I2 मिलके CH2 माइनस I जिंक से अटैच रहेगा, ये I माइनस भी जिंक से अटैच रहेगा, मींस क्या रहेगा, I सिंगल बॉन्ड CH2 जिंक सिंगल बॉन्ड I बन गया कार्बिनॉइड। तो यहां पे कार्बिनॉइड का एक ही रिएक्शन है, सिमन स्मिथ रिएक्शन। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस पे अगर मैं CH2 I2 के साथ जिंक ले लूं और
CH2 ZnI2 ले लूं। आप फिर से ये बता सकते हैं क्या फॉर्म होने वाला है, मतलब विदाउट रिएक्शन पढ़े हुए आप खुद से गेस कर सकते हैं प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, क्या फॉर्म होना चाहिए। आपको पता है CH2I2 जिंक मीन्स CH2I CH2 ZnI2 है, और ये कार्बिनॉइड है, कार्बिनॉइड कार्बिन टाइप बिहेव करता है, तो कार्बिन में क्या होता है, सी डबल बॉन्ड सी पे कार्बिन, क्या होगा यहाँ पे थ्री मेंबर रिंग बनता है, तो ये क्या हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2, ये रिएक्शन होता है। नोट कर लीजिए। फिर से मैकेनिज्म कुछ नहीं है यार, वही जो अपन ने कार्बिन में पढ़ा था एग्जैक्ट वही है। मतलब अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे कुछ ऐसा रहेगा CH2I ZnI, ऐसा है। कैसे रिएक्शन होगा यहाँ पे हीट करने से, आपको पता है कि ये CH2 के साथ आई है, ये क्या करेगा, आप मैंने बताया था अभी कार्बन के साथ अगर हैलोजन है, जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये हैलोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। CH2 के साथ जिंक है, जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा तो मेटल इलेक्ट्रॉन दे के बाहर जाता है, जिंक जिंक प्लस के फॉर्म में बाहर जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, तो इस ऑर्बिटल में क्या रहेगा CH2 पे माइनस, ये ऑर्बिटल वैकेंट रहेगा, तो जो ऑर्बिटल वैकेंट है वो वैकेंट ऑर्बिटल एक्सेप्ट करेगा। अब मान लीजिए ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड को मैंने इधर ब्रेक करिए माइनस इधर प्लस, तो माइनस वाला इस वैकेंट ऑर्बिटल को डोनेट कर रहा है, और यहाँ पे जो माइनस है ये माइनस इसको डोनेट करेगा। मीन्स यहाँ पे साइमल्टेनियसली क्या होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक बॉन्ड ये ब्रेक होगा, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होगा, ये भी बॉन्ड फॉर्म होगा, आयोडीन वाला बॉन्ड भी ब्रेक होगा, ZnI वाला बॉन्ड भी ब्रेक होगा, राइट। तो ओवरऑल रिएक्शन CH2 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 + ZnI2 ये बन जाएगा। नहीं तो मैंने आपको एग्जैक्ट मैकेनिज्म बताया, लेकिन आप शॉर्ट में ऐसे सोच सकते थे, जिंक वाला ऑर्बिटल वैकेंट, आई माइनस बाहर गया, सॉरी जिंक वाला ऑर्बिटल में लोन पेयर रहेगा और आई माइनस ऑर्बिटल वैकेंट रहेगा, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी है, तो रिएक्शन कैसे करोगे आप, ये वाला इसको डोनेट करेगा, ये वाला इसमें एक्सेप्ट करेगा, राइट। चलिए मैकेनिज्म लिख लीजिए, और इसमें चलिए नोट में एक पॉइंट लिख लीजिए आप। पहली बात तो ये कि ये सिन एडिशन है, सिन एडिशन इसलिए है क्योंकि दोनों सेम साइड से ऐड हो रहा है बॉन्ड, तो पहला पॉइंट, दिस इज एग्जांपल ऑफ सिन एडिशन। पॉइंट नंबर टू लिखिए कि कार्बिनॉइड इज, पॉइंट नंबर टू कार्बिनॉइड इज बल्की इन साइज, कार्बिनॉइड इज बल्की इन साइज, देयरफोर इट प्रिफर्स टू अटैक ऑन लेस स्टेरिकली हिंडर्ड डबल बॉन्ड, देयरफोर इट प्रिफर्स टू अटैक ऑन लेस स्टेरिकली हिंडर्ड डबल बॉन्ड। मतलब यहां पे आपके पास दो ऑप्शन है, यहां भी बन सकते हैं, तो ये वाला मोर स्टेरिकली हिंडर्ड है, ये लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है, तो रिएक्शन इस पे होगा, मीन्स प्रोडक्ट इसका अगर आपको बनाना है वन इक्विवेलेंट है तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, क्लियर। अभी आप लिखिए पहले पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर थ्री लिखिए पहले, बाद में एग्जांपल लिखना। पॉइंट नंबर थ्री एक चीज और लिखिए पॉइंट नंबर थ्री में कि कार्बिनॉइड इज हैविंग पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल, कार्बिनॉइड इज हैविंग पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल ड्यू टू विच इट प्रिफर्स टू अटैक ऑन दैट साइड, कार्बिनॉइड इज हैविंग पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल ड्यू टू विच इट प्रिफर्स टू अटैक ऑन दैट साइड, इट प्रिफर्स टू अटैक ऑन दैट साइड फ्रॉम वेयर लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप इज क्लोजर, इट प्रिफर्स टू अटैक ऑन दैट साइड फ्रॉम वेयर लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप इज क्लोजर। अब इस लाइन का मतलब क्या है, आपको दिख रहा है कि CH2 ZnI में यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज मेटल है, अब C डबल बॉन्ड C है,
आपको थ्री मेंबर रिंग बनाना इतना तो क्लियर है। अब ये थ्री मेंबर रिंग इधर ऊपर से बन सकता है या फिर नीचे से बन सकता है। मैं आपको बता दूं कि अगर ये एक रिंग है, दूसरा रिंग अगर आपको बनाना है तो दोनों सेम प्लेन में नहीं रहेंगे, आइदर ये रिंग ऊपर रहेगा या फिर रिंग नीचे रहेगा, क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, टेट्राहेड्रल रहेगा, सेम प्लेन में नहीं रहेंगे। लेकिन अब होगा क्या, ऊपर बने या नीचे बने, इसके लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे OH ग्रुप है, लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप है, और ये लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप ऊपर है, इसलिए क्या होगा, अब ये कार्बिनॉइड ऊपर से आना प्रेफर करेगा, बिकॉज इसके मेटल में और लोन पेयर में अट्रैक्शन होगा। इसीलिए अगर आप प्रोडक्ट लिखेंगे तो ये वाला बेसिकली मेजर होना चाहिए, ये ऊपर से ऐसे रिंग बनेगा, थ्री मेंबर रिंग बनेगा लेकिन ऊपर से रहेगा। तो ये दो पॉइंट ध्यान में रखें, एक तो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बन पे अटैक करेगा, मींस ये वाला ऑफकोर्स ऊपर या नीचे कहीं भी हो सकता है, अगर लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप है तो उसके साइड से ही थ्री मेंबर रिंग बनेगा। क्लियर है, नोट कर लीजिए आप। चलिए, इसमें कहां पे अटैक करेगा, इसमें या इसमें, ऑफकोर्स इस पे अटैक करेगा, तो प्रोडक्ट हो जाएगा यहां से CH2। आई होप क्लियर इतना। चलिए अपना फिर नेम रिएक्शन कंप्लीट हो गया, राइट। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।